हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास सेवेंथ हिस्ट्री का सेवेंथ चैप्टर, विच इज ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के बारे में रीड करेंगे। देन नोमैड्स मतलब वो लोग जो कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव रहते थे, हमेशा एक से दूसरी जगह आते जाते रहते थे, और कुछ कम्युनिटीज जो सेटल डाउन होकर एक ही जगह पर रहकर अपने लाइवलीहुड को अर्न कर रही थी। तो स्टार्ट करते हैं। You saw in chapter 2nd, 3rd and 4th how kingdoms rose and fell. Class 7th में हम 8 to 18 century की बात कर रहे हैं। तो इन 10 centuries में कैसे कुछ kingdoms rise हुए, कैसे fall हुआ, उनका अंत हुआ, ये हमने देखा chapter 2nd, 3rd और 4th में। Even as this was happening, और जब ये सब हो रहा था, new arts, crafts and production activities flourished in towns and villages. तो गांव और शहरों में कुछ नए art की, craft की और production की activities flourish कर रही थी। Over the centuries, important political, social and economic developments had taken place. In kuch centuries mein kuch important changes hue, development hue, political, social or economic front par. Lekin social changes was not the same everywhere. Jo social changes the, wo har jagah ek jaise nahi the. Because different kinds of societies evolved differently. Alag alag tarike ki societies alag alag tariko se evolve hui hai. It is important to understand how and why this happened. To abhi ye samajhna zaruri hai. ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के एक बड़े पार्ट में सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ण। वर्ण का रूल हमने देखा था, चार वर्ण्स में डिवाइड किया गया था लोगों को। सबसे पहले थे ब्राह्मण, देन क्षत्रिय एंड वैश्य एंड शूद्र। तो इसमें पहले से ही सोसाइटी डिवाइडेड थी। दीज रूल्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स, और ये रूल्स इन्होंने प्रिस्क्राइब किए थे ब्राह्मण्स ने, वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम्स। बड़े बड़े किंगडम के रूलर्स ने भी इनको एक्सेप्ट किया एज इट इज। द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज्ड। सो जब रूलर्स खुद इनको मानने लगे, उससे जो हाई कास्ट लो कास्ट के बीच के लोगों का डिफरेंस था, गरीब और अमीर का डिफरेंस था, वो और ज्यादा इंक्रीज होता गया। अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स दिस हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर। और हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के अंदर और मुगल्स के अंदर ये जो हायरार्की है, ये और ज्यादा इंक्रीज होगी, ग्रो करेगी। नाउ फर्स्ट इज बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटीज। बड़े बड़े शहरों के बियॉन्ड जो ट्राइबल सोसाइटीज जहाँ पर रहती थी, मोस्टली जंगल्स में, फॉरेस्ट में रहती थी। देयर वर हाउएवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज एज वेल, दूसरी तरह की सोसाइटीज भी थी। मैनी सोसाइटीज इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब बाय द ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स ने जो रिचुअल्स और सोशल रूल्स को प्रिस्क्राइब किया था, कई सोसाइटीज उनको नहीं मानती थी। नॉर वर दे डिवाइडेड इंटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, ना ही वो इस तरीके की किसी अनइक्वल क्लासेस में डिवाइडेड थी। सच सोसाइटीज आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स, और इन्हें हम कहते थे ट्राइब्स। ट्राइब्स में जो लोग थे, ये किनशिप के रूल में बिलीव करते थे कि सभी लोग इक्वल है, बाय ब्लड वो एक दूसरे से रिलेटेड है, कोई भी हाई क्लास या लोअर क्लास का नहीं है। मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स। किनशिप बॉन्ड में क्या होता है कि सभी लोग जो एक ट्राइब के हैं, वो ये मानते हैं कि उनके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर्स जो थे, वो सेम ही थे और वो सभी आपस में रिलेटेड है। तो ट्राइब में लोग इस तरीके से यूनाइटेड थे। बहुत सारी ट्राइब्स थी जो ऑब्टेन करती थी उनके लाइवलीहुड को एग्रीकल्चर से, खेती वो करते थे। कुछ हंटर गैदरर्स भी थे, कुछ हर्डर्स भी थे, जानवर पालते थे। मोस्ट ऑफन दे कंबाइंड दीज एक्टिविटीज टू मेक फुल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। अक्सर वो ये सभी एक्टिविटीज करते थे, खेती भी कर ली, हंटर गैदरर्स भी थे और जानवरों को भी पालते थे, ताकि जो रिसोर्सेज है उनके पास, उनके एरिया में जिसमें वो रह रहे हैं, उसका वो फुल यूज कर सके। सम ट्राइब्स वर नोमैडिक, कुछ नोमैडिक थे, एक से दूसरी जगह आते जाते रहते थे। एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल्ड लैंड एंड पैश्चर्स जॉइंटली। एक ट्राइबल ग्रुप एक साथ ही जॉइंटली एक लैंड को या पैश्चर को कंट्रोल करता था। एंड डिवाइडेड दिस अमंगस्ट हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स, और आपस में उनको डिवाइड कर लेता था बाद में, जो भी वहां से प्रोडक्शन हुई है, खुद के रूल्स के अकॉर्डिंग। मैनी लार्ज ट्राइब्स थ्राइव्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में बहुत सारी ट्राइब ने फ्लरिश किया, वो वहाँ पर फली फूली। दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, और अक्सर ये लोग जंगल में, हिल्स में, डेजर्ट्स में रहते थे, उन जगहों पर विच वर डिफिकल्ट टू रीच, जहाँ पर पहुँचना मुश्किल था। समटाइम्स दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज, और जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी, जो विलेजेस में रह रही थी, टाउन्स में रह रही थी, कई बार उनके क्लैशेस भी होते थे उनके साथ। इन वेरियस वेज, कई तरीकों से द ट्राइबल रिटेन देयर फ्रीडम, उन्होंने अपनी फ्रीडम को, आज़ादी को रिटेन रखा और प्रिजर्व किया। उनका जो एक सेपरेट कल्चर था, वर्ण और ये जो कास्ट सिस्टम था इससे हट के, उसको उन्होंने बचा के रखा।
But the caste-based and tribal societies also depended on each other for their diverse needs. अभी अगर caste-based society में रहने वाले लोगों को कोई forest product चाहिए, हनी चाहिए या फिर वुड चाहिए, तो वो किसके पास जाएंगे? ट्राइबल सोसाइटीज के पास. सिमिलरली ये भी इनके पास आएंगे, तो दोनों डिपेंडेंट भी थे आपस में. दिस रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस. रिलेशनशिप कैसा था? कॉन्फ्लिक्ट भी था. ये कास्ट सोसाइटी में बिलीव करते थे, ये नहीं करते थे. किनशिप में बिलीव करते थे, सोशल डिफरेंसेस थे, लेकिन डिपेंडेंस भी थी. ग्रेजुअली कॉज्ड बोथ सोसाइटीज टू चेंज. तो जब मिंगलिंग हुई दोनों ही सोसाइटीज में, दोनों में ही कुछ चेंजेस आए. कुछ चीजें कास्ट बेस्ड की ट्राइबल सोसाइटी में आएंगी, कुछ ट्राइबल की कास्ट बेस्ड में. नाउ सेकेंड इज हु वर ट्राइबल पीपल. ट्राइबल पीपल थे कौन? कंटेम्प्ररी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स गिव वेरी स्कैंटी इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स. आज के जो हिस्टोरियंस हैं, ट्रैवलर्स हैं, वो बहुत कम इन्फॉर्मेशन देते हैं ट्राइब्स के बारे में. अ फ्यू एक्सेप्शंस अपार्ट, ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड्स. अभी इसका एक रीज़न ये भी है कि कुछ को छोड़ के जो ट्राइबल लोग थे वो कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं रखते थे. बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशंस. लेकिन उन्होंने अपने रिच कस्टम्स को प्रिजर्व करके रखा और जो ट्रेडिशंस हैं वो ओरली बताते थे अपनी जनरेशन को. दीज वर पास डाउन टू ईच न्यू जनरेशन. और ये जनरेशन टू जनरेशन पास होते गए. प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशंस टू राइट ट्राइबल हिस्ट्रीज. और आज के जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इसी ओरल ट्रेडिशन को यूज करके आज की जो उस टाइम की जो ट्राइबल हिस्ट्री है उसको लिखा है. ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हर रीजन में ट्राइबल लोग मिलते थे. द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वैरिड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम. कितना एरिया इनके कंट्रोल में होगा, ये कितने इन्फ्लुएंशियल है, ये टाइम टू टाइम वैरी करेगा, चेंज होता रहेगा. सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल्ड लार्ज टेरिटरीज. कुछ बहुत पावरफुल ट्राइब्स भी थी जिन्होंने लार्ज टेरिटरीज को कंट्रोल किया. कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि पंजाब में द खोखर ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी. खोखर ट्राइब पंजाब में बहुत इन्फ्लुएंशियल थी 13th और 14th सेंचुरी में. बाद में गखर बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट. पंजाब में गखर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई खोखर से. गखर देयर चीफ कमाल खान गखर वॉज मेड अ नोबल मनसबदार बाय एम्परर अकबर. इनके जो चीफ थे गखर ट्राइब के, उनको अकबर ने अपने यहाँ पर एक मनसबदार भी बनाया था. इन मुल्तान एंड सिंध, मुल्तान और सिंध में द लंगास एंड अर्गुन्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन्स बिफोर देवर सबड्यूड बाय द मुगल्स. मुगल ने जब इनको सबड्यू किया, हराया इनको, पावर को थोड़ा कम किया, उससे पहले बहुत डोमिनेट ये कर रहे थे एक एक्सटेंसिव रीजन को. द बलोचिस वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट. यहाँ पर आपको गिवन भी है, अभी रीड किए, गखर खोखर एंड जंजुहा, ये है लंगास, अर्गुन, ये बलोचिस प्रेजेंट डे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में. ओके आगे देखते हैं. नेक्स्ट, दे वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर क्लांस अंडर डिफरेंट चीफ्स. सो ये हम बात कर रहे हैं बलूचिस की. बलूचिस बहुत सारे छोटे छोटे क्लांस में डिवाइडेड थे जिनके चीफ्स सरदार अलग थे. क्लान क्या होता है? क्लान इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड्स क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. कुछ फैमिलीज का या फिर हाउस होल्ड्स, घरों का ग्रुप, जो ये मानते हैं कि उनके एंसेस्टर्स, पूर्वज एक ही थे. ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन किनशिप और क्लान लॉयल्टीज. ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन या तो किनशिप में बिलीव करते थे या फिर वो क्लान लॉयल्टीज पर बेस्ड थे. इन द वेस्टर्न हिमालय लिव्ड द शेफर्ड ट्राइब ऑफ गद्दीज. वेस्टर्न हिमालय में शेफर्ड ट्राइब, जो भेड़ बकरियां पालते होंगे, वो रहते थे, जिनको गद्दीज कहा गया है. द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू वॉज एंटायरली डोमिनेटेड बाई ट्राइब्स. और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसमें भी बहुत सारी ट्राइब्स रहती थी, जैसे नागाज, अहोम्स और मैनी अदर्स. ये देखिए, ये है नागास, अहोम्स, देन काचरिस, खासीस, कोच. सो ये है कुछ नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स. और इससे पहले हमने देखा नॉर्थ वेस्ट की ट्राइब्स. नेक्स्ट, इन मेनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड. अभी जहाँ प्रेजेंट डे में बिहार और झारखंड है, उसके बहुत सारे एरियाज में चेरो चीफडॉम्स हैज इमर्ज्ड बाय द 12th सेंचुरी 1100 एंड समथिंग तक चेरोस वहाँ पर इमर्ज होना शुरू हुए. ये है चेरोस, और भी है साथ में, जैसे मुंडास, संथाल्स एंड ओराउंस. नाउ राजा मानसिंह अकबर्स फेमस जनरल अटैक एंड डिफीटेड द चेरोस इन 1591 में राजा मानसिंह के एक जनरल थे, फेमस जनरल, जिन्होंने चेरोस को डिफीट किया, हराया. अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम. बहुत सारे पैसे, माल भी उनसे लिया गया. बट दे वर नॉट एंटायरली सबड्यूड. लेकिन पूरे तरीके से अभी वो मुगल्स के अंडर में नहीं थे.
Under Aurangzeb, Mughal forces captured many Chero fortresses and subjugated the tribe. अभी ये हमने अकबर की बात की, इसके बाद औरंगजेब के बीच में दो एम्प्रेस ऑलरेडी जा चुके हैं, जहांगीर और शाहजहां। और औरंगजेब ने रूल करना स्टार्ट किया था 1658 से, और ये इमर्ज कब हुए थे चेरोस, 12th सेंचुरी यानी कि 1100 एंड समथिंग से। सो 1100 से 1600, लगभग 5 सेंचुरीज तक ये वहाँ पर थे, और उसके बाद फाइनली औरंगजेब ने इनको हराया और कम्प्लीटली इनको अपने अंडर में ले लिया। द मुंडास एंड संथाल्स इनके आसपास ही थे, अभी हमने देखा, वर अमंग अदर इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स जो रह रहे थे इन दिस रीजन एंड ऑल्सो इन उड़ीसा एंड बंगाल। द महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वर होम ऑफ कोलीज, बेराड्स एंड न्यूमरस अदर्स। महाराष्ट्र के जो हाईलैंड्स थे, पठार थे वहाँ पर, और कर्नाटका के रीजन में जो कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थी, कोलीज, बेराड्स और बाकी दूसरी अभी देखेंगे। कोलीज ऑल्सो लिव्ड इन मेनी एरियाज ऑफ गुजरात, कोलीज गुजरात के भी कई एरियाज में रहे हैं। फर्दर साउथ, उसके बाद और साउथ में अगर हम आए तो देर वर लार्ज ट्राइब पॉपुलेशन ऑफ कोराग्स, बेटार्स, मारवाड़स एंड मेनी अदर्स। सो साउथ में ये मारवाड़, बेटार्स एंड बादागस, और ये महाराष्ट्र के हाईलैंड्स और कर्नाटका में कोराग्स, बेराड्स एंड काटकारीज, कोलीज, भील्स, भील यहाँ पर भी थे, एंड कोलीज जैसा कि बताया गया कि ये इन्होंने गुजरात में भी ये रहे, ये जाके बसे, एंड दिस इज जैटवास। द लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स वॉज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, हमने देखा कि सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न में भील्स फैले हुए थे। बाय द लेट 16th सेंचुरी, 1550 के 70-80 के अराउंड, many of them had become settled agriculturalist, उनमें से बहुत सारे लोग एक जगह पर सेटल होकर एग्रीकल्चर खेती करने लगे, एंड सम इवन जमींदार्स, कुछ जमींदार्स भी बन गए। मैनी भील क्लांस नेवर दी लेस रिमेन हंटर गैदरर्स, लेकिन बहुत सारे भील क्लांस अभी भी हंटर गैदरर्स ही रहे। द गॉन्ड्स वर फाउंड इन ग्रेटर नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। प्रेजेंट डे जहाँ पर ये प्लेसेज हैं वहाँ पर जो ट्राइब थी वो थी गॉन्ड्स, ये देख चुके हैं आई थिंक हम पहले भी, गॉन्ड्स, बेगास, कॉन्स एंड कोयास, ये चार और ट्राइब्स हैं। गॉन्ड से शायद इसका नाम गोंडवाना पड़ा होगा उस टाइम पर। सो ये ट्राइब्स के नाम आपको पता हो, भले ही एग्जैक्ट नहीं, लेकिन थोड़ा आइडिया हो कि वो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट या फिर साउथ में कहाँ पर रूल कर रहे थे, रूल नहीं रह रहे थे। नाउ हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड, मोबाइल मतलब जो ऑलवेज ऑन द मूव थे, हमेशा एक से दूसरी जगह आते जाते रहते थे, वो रहते कैसे थे। नॉमेडिक पैस्टरलिस्ट, पहले हम बात कर रहे हैं जो चरवाहे थे जिनके पास जानवर थे, वो मूव करते रहते थे ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद देयर एनिमल्स, अपने एनिमल्स के साथ दूर दूर जाते थे। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पैस्टरल प्रोडक्ट्स, मिल्क होता था क्योंकि जानवर थे उनके पास, और बाकी जो पैस्टर्स थे उनको कुछ प्रोडक्ट्स मिलते थे। दे ऑल्सो एक्सचेंज वुल, घी एक्सेट्रा, जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनको वो एक्सचेंज कर लेते थे विद सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट, उनसे ग्रेन ले लिए, क्लोथ ले लिए, यूटेंसिल एंड अदर प्रोडक्ट्स, मतलब उस टाइम पर बार्टर सिस्टम चलता था, जो उनके पास है उसके उससे दूसरी चीज़ें एक्सचेंज कर लिए। एक पिक्चर भी यहाँ पर आपको दी है, भील हंटिंग डियर बाय नाइट, फिगर टू, ये भील्स हैं जो रात में हंटिंग कर रहे हैं। और सेकेंड फिगर है, अ चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स कनेक्टेड इंडिया टू द आउटसाइड वर्ल्ड, ये जो कुछ मोबाइल ट्रेडर्स थे इन्होंने इंडिया को कनेक्ट किया बाहर के वर्ल्ड से। यहाँ पर आप देख रहे हैं नट्स बीइंग गैदर्ड, नट्स को इकट्ठा किया जा रहा है एंड लोडेड ऑन द बैक ऑफ द कैमल्स, और कैमल्स की बैक पर उनको लोड किया गया है। सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स ब्रॉट सच गुड्स टू इंडिया, सेंट्रल एशिया से जो ट्रेडर्स थे वो इंडिया में ये चीज़ें लेकर आते थे, एंड द बंजारास एंड अदर ट्रेडर्स कैरीड दीज टू लोकल मार्केट्स, और फिर वो बंजारास को बेचते थे, बंजारा इनको लेकर लोकल मार्केट्स में जाते थे। They bought and sold these goods as they moved from one place to another. जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे तो इन चीज़ों को कहीं से खरीदते थे, दूसरी जगह पर बेचते थे। Transporting them on their animals, अपने animals के ऊपर उनको transport करते थे, रख के ले जाते थे। The Banjaras were the most important trader nomads. Banjaras बहुत important trader nomads थे, nomadic भी थे और traders भी थे, व्यापारी भी थे। Their carvas were called Tanda. उनके कारवा को, कारवा में कई सौ लोग होते थे, बंजाराज होते थे, उन्हें कहा जाता था टांडा। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी, जिनके बारे में हमने थर्ड चैप्टर में रीड किया है, यूज द बंजाराज टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स इनटू द सिटी मार्केट्स,
अभी जहां पर सिटीज हैं उसके आसपास जरूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर लैंड हो, वहीं पर ही प्रोडक्शन हो रहा हो। प्रोडक्शन कहीं दूर होता था विलेजेस में, वहां से उन ग्रेन को सिटी मार्केट्स तक लाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने यूज किया इन बंजाराज को। एम्परर जहांगीर रोट इन हिज मेमोयर्स दैट द बंजाराज कैरिड ग्रेन्स ऑन देयर बुलॉक्स। जहांगीर ने भी अपने मेमोयर्स में लिखा है कि बंजाराज उनके बैलों के ऊपर ग्रेन्स को कैरी करते थे डिफरेंट एरियाज से और उनको बेचते थे टाउन्स में, शहरों में। दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स। मुगल आर्मी जब जाती थी मिलिट्री कैंपेन में दूर दूर तक, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि वो अपना जो अनाज है सारा, जो बीच में जरूरत की चीजें हैं वो साथ लेकर जाए। उनको कौन ये ट्रांसपोर्ट करते थे? ये बंजाराज। विद अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1 लाख बुलॉक कैरिंग ग्रेन्स। तो लार्ज आर्मी के लिए कम से कम 1 लाख इनके बुलॉक्स होते थे, बैल होते थे जो ग्रेन को कैरी करते थे। द बंजाराज। पीटर मंडी एंड इंग्लिश ट्रेडर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 17th सेंचुरी हैज डिस्क्राइब द बंजाराज। एक इंग्लिश ट्रेडर थे पीटर मंडी, उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है बंजाराज को? इन द मॉर्निंग वी मेट अ टांडा ऑफ बंजाराज। बंजारा के कारवां से ये मिले सुबह विद 14,000 ऑक्सन। उनके पास 14,000 ऑक्सन बैल थे। दे वर ऑल लेडन विद ग्रेन सच एज वीट एंड राइस। और वो पूरे लदे हुए थे वीट और राइस से। दीज बंजाराज कैरी देयर हाउस होल्ड वाइफ्स एंड चिल्ड्रन अलॉन्ग विद देम। पूरा घर इनका इनके साथ ही होता था, इनके वाइफ बच्चे। वन टांडा कंसिस्ट ऑफ मेनी फैमिलीज। एक टांडा में, एक कारवा में बहुत सारी फैमिलीज थी। देयर वे ऑफ लाइफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ कैरीज हु कॉन्टिन्यूसली ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और इनकी लाइफ भी बिल्कुल वैसी ही थी, नॉमेडिक ही थी। एक से दूसरी जगह वो जाते रहते थे। दे ओन देयर ऑक्सन। इनके पास खुद के बैल और गायें होते थे। दे आर समटाइम्स हायर्ड बाई मर्चेंट्स। कई बार कुछ मर्चेंट्स, व्यापारी इनको हायर कर लेते थे। बट मोस्ट कॉमनली दे आर देमसेल्व्स मर्चेंट्स। लेकिन अक्सर वो खुद ही व्यापारी होते थे, खुद ही मर्चेंट्स होते थे। दे बाई ग्रेन वेयर इट इज़ चीपली अवेलेबल एंड कैरी इट टू प्लेसेस वेयर इट इज़ डियरर। ये वहाँ से चीज़ें खरीदते थे जहाँ पर वो आसानी से अवेलेबल है, सस्ती है, और जहाँ पर महंगी है वहाँ पर जाकर उसको बेचते थे। देन फ्रॉम देयर, फिर वहाँ से दे अगेन रीलोड देयर ऑक्सन विद एनीथिंग दैट कैन बी प्रॉफिटेबली सोल्ड इन अदर प्लेसेज। वहाँ से फिर से अपने बैलों के ऊपर वो सामान लाद लेते थे जो कहीं दूसरी जगह पर प्रॉफिट में वो बेच सकें। इन अ टांडा देयर मे बी एज मैनी एज 600 to 700 persons। एक टांडा में 600 से 700 लोग हो सकते थे। दे डू नॉट ट्रैवल मोर दैन 6 to 7 miles अ डे। 6 से 7 मील ही चलते थे एक दिन में। दैट टू इन अ कोल्ड वेदर। वो भी जब वेदर मौसम अच्छा हो, ठंडा हो। आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑक्सन, उसके बाद बैलों से सामान अनलोड करते थे। दे टर्न देम फ्री, उनको फ्री छोड़ देते थे ताकि वो ग्रेज करे, चरे। एज देयर इज इनफ लैंड देयर, क्योंकि आसपास जमीन बहुत होती थी। एंड नो वन देयर टू फॉरबिड देम, और वहां पर उनको रोकने वाला भी, बैलों को रोकने वाला भी कोई नहीं था। ये एक पिक्चर दी है, ब्रॉन्ज का क्रोकोडाइल है जो बनाया है कुटिया कोंड ट्राइब ने उड़ीसा की। नाउ मेनी पैस्टरल ट्राइब्स रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स। बहुत सारी जो पैस्टरल ट्राइब्स थी वो एनिमल को रियर भी करती थी, पालती भी थी और उनको बेचती भी थी। सच एज कैटल एंड हॉर्सेस टू द प्रॉस्पेरस पीपल। जो अमीर लोग थे उनको कैटल, भैंस, बकरियाँ, गायें और हॉर्स, घोड़े वो बेचा करती थी। डिफरेंट कास्ट ऑफ पेटी पैडलर्स ऑल्सो ट्रैवल फ्रॉम विलेजेस टू विलेजेस। पेटी पैडलर्स जो थे, थोड़ी थोड़ी दूर जाकर जो सामान बेचते हैं, वो भी एक से दूसरे गांव में ट्रैवल करते थे। दे मेड एंड सोल्ड वेयर्स सच एज रोप्स, वो जैसे कि रस्सियाँ बेचते थे, रीड्स की बनी हुई चीज़ें, स्ट्रॉ मैटिंग, चटाइयाँ एंड कोर्स सैक्स, जो बोरियाँ होती है वो। समटाइम्स मेंडिकेंट्स, मेंडिकेंट्स बोलते हैं जो भीख मांगने वाले होते हैं, एक्टेड एज वैंडरिंग मर्चेंट्स। कहीं भी वो भी कई बार मर्चेंट की तरह काम करते थे, क्योंकि वो एक से दूसरी जगह जाते थे भीख मांगने। तो हो सकता है लोग कोई अपना सामान देते हो कि भाई उसको वहां पर पहुंचा देना। दीज देयर वर कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स हु परफॉर्म इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस फॉर देयर लाइवलीहुड। कुछ एंटरटेनर्स भी थे जो कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव रहते थे, अलग अलग गाँव में परफॉर्म करते थे लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट जो टॉपिक है, चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज, इसको हम कवर करेंगे सेकेंड पार्ट में। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आपको क्लियर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।